hello everyone

ट्राई टू जस्टिफाई द टाइटल तो चैप्टर का नाम है द इंटरेस्ट नहीं इट इज दी एड्रेस तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर में बताना चाहूंगी जो इससे रेलिवेंट नहीं है बट ये yes, पता होना चाहिए अगर आपको सही इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए तो ना द एड्रेस क्यों नहीं बोला सिंपल सा लॉजिक है अगर कोई भी वावल साउंडिंग वर्ड के पहले अगर हम द लगा दें तो वो टी एच ई द नहीं रह जाता वो दी हो जाता है बस दट सो इट इज नॉट द एड्रेस इट इज द ड्रेस है क्या सो इट इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल जो वॉर कंडीशन थी किसी जगह पर वो वॉर कंडीशन में वो लड़की का जो मम्मी का सामान था वो कहीं पर रखा हुआ था इन द सेफ कस्टडी बिकज वो वॉर सिचुएशन हो रही थी और उनके अगेंस्ट वॉर होने वाला था तो ऐसा था कि कहीं को उनका वॉर में बिकज वॉर में क्या होता है जनरली डिस्ट्रक्शन होता है नॉट ओनली ऑफ लाइफ बट आल्सो ऑफ द वैल्यूएबल्स एंड टू दी सराउंडिंग सब चीज़ों का लॉस होता है तो उस लॉस के फियर की वजह से यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है जो नरेटर है वो बताती हैं कि उनकी मम्मी ने वॉर जब वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी तो उनकी मम्मी ने उनके घर का जितना भी वैल्यूएबल और इनफैक्ट सारी ही चीज़ें एक किस लेडी के घर रखी थी तो उस लेडी के एड्रेस को याद रखने के लिए उस लेडी ने अपनी बेटी को बोला था जिस पर ये पूरी स्टोरी बेस है इट इज द एड्रेस नहीं इट इज दी एड्रेस तो आप उस एड्रेस के बारे में पढ़ते हो आप स्पेसिफिकली वो एड्रेस क्या था हाउस नंबर फोर्टी सिक्स स्ट्रीट हम पढ़ते हैं स्टोरी को बट स्टोरी प्रोसीड करने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द थीम ऑफ द स्टोरी स्टोरी रिवॉल्व किसके आसपास कर रही है सो द स्टोरी इज अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ गर्ल अभी गर्ल कौन है यहाँ पे जिस जो स्टोरी को नरेट कर रहा है और नरेटर को यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट बोला गया है goes, में ये भी क्लियर कर देती हूँ कौन सी लड़की है यहाँ पे हम देखेंगे मिसेस एस के बारे में बोला गया तो मिसेस एस की जो डॉटर है वो यहाँ पर स्टोरी को नरेट कर रही है और वो ही है। तो इनकी जो डॉटर जो जुविश फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके अगेंस्ट वॉर हो रहा था और जिनके घर सामान रखा था उनका एड्रेस याद रखने के लिए बोला था तो वो कौन है वो मिसेस डॉलिंग का घर है जिसका एड्रेस मैंने अभी अभी आपको बताया हाउस नंबर फोर्टी हाउस नंबर फोर्टी सिक्स स्ट्रीट ना तो दिस स्टोरी इज अ टाउंट ऑफ अ गर्ल हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन हॉलैंड तो ये स्टोरी किसके बारे में है एक टचिंग अकाउंट है ये टचिंग अकाउंट के ऊपर हमें कुछ समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी इमोशनल फीलिंग्स है इमोशनल फीलिंग्स यहाँ से हमें जस्टिफाई हो रही है बिकॉज हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स वो अपनी मम्मी का जो सामान था उसको ढूंढने के लिए जब वो निकलती है तो कैसी चीज़ों को फेस करा उसने जिनके घर सामान रखा था उन्होंने उस लड़की को कैसे ट्रीट करा तो थोड़ी सी इमोशनली हर्ट होती है बिकॉज़ उस मम्मी की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था उस डॉटर का उस नरेटर का या फिर का सो so, और ये कब हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन हॉलैंड बट इवन आफ्टर फाइंडिंग दैट शी सो मच टू टच बट जब उसको फाइनली उसने वो घर वो एड्रेस को ढूंढ लिया उसके बाद वो उस चीजों की वैल्यू खत्म हो गई तो ऐसा क्यों टर्न हुआ स्टोरी में कि पहली चीज तो शी वॉज वेरी डेस्परेट कि मुझे वो एड्रेस कहीं से मिल जाए जो मेरी मम्मी ने मुझे याद रखने के लिए कहा था था लाइक सिचुएशन जब बन रही थी बट अब जब फाइनली बहुत मेहनत से उस एड्रेस को ढूंढ लेती हैं तो ढूंढने के बाद वो चीज़ों की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है सो हाउ कम दैट तो ये जो सस्पेंस है ये जो क्यूरियासिटी है फॉर दैट लेट्स रीड द चैप्टर इन डिटेल सो But even after finding that what she so much wanted to touch, to see, to feel and remember, तो ये ये हमें कितनी इमोशंस के बारे में बता रहे हैं जो exactly वो mummy की सारी चीजें जिससे मम्मी की यादें जुड़ी हुई थी वो उन चीज़ों को फील करना चाहती थी वो उन चीज़ों को टच करना चाहती थी वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी और उन चीजों के थ्रू अपनी मम्मी को याद करना चाहती थी कि मेरी मम्मी ये सारी चीज़ों को कितने अच्छे से अरेंज करके क्लीन करके उनको रखती थी तो अपनी मम्मी की चीज़ों को याद कर रही थी एग्जैक्टली exactly. सो शी लिवस एवरीथिंग बिहाइंड एज इट उन्होंने देखा कि वो सारी चीजें कहीं और पर किसी और सेंस में रखी हुई हैं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे इस एड्रेस को याद रखना है जो मेरी मदर ने मुझे बोला था याद रखने के लिए सो दैट वॉर लाइक सिचुएशन अगर ऐसी कुछ बन जाए अगर लॉस ऑफ लाइफ हो जाए अगर किसी की डेथ हो जाए तो एटलीस्ट हम उस एड्रेस से, से जाके अपनी बिलोंगिंग तो ले ही लेना और बिक वो जो बेटी है जो प्रोटैगनिस्ट है शी वेरी मच विद हर मदर से अटैच थी तो मम्मी से जुड़ी जितनी चीजें थी वो चाहती थी कि वो भी उसको मिल जाए बट जो नहीं हुआ so she decides to move on and live with only memories of the former times so would decide kartika mohana to kujbinahi jahi or abdumujadahadra hai that is just the sweet memories of the mother the address that held so much importance till she visited that place lost its value and the girl realized that it could get her nothing but Only pain. तो ये क्या बोल रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दस जिस एड्रेस की हम बात कर रहे हैं जहां पर रेटर का सामान रखा हुआ था उस एड्रेस में दैट हेल्प सो मच इम्पोर्टेंस उस एड्रेस की बहुत इंपॉर्टेंस थी क्यों बिक इन लोगों का पूरा वैल्यूएबल सामान उनके घर में रखा हुआ था इतना वैल्यूएबल था कि जब हम आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा जो उनकी सिल्वर कटलरी थी पूरी वो सारी चीजें भी उनके घर में रखी हुई थी so the itres that held so much importance till she visited that place lost जब तक वो वहां पर नहीं पहुंची उन चीजों की बहुत अहमियत थी इस प्रोटागनिस्ट के लिए इस नरेटर के लिए बट जब वो वहां पे उन चीजों को देख लेती है कि उन चीजों का क्या हाल हो रहा है तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो चीजें मुझे नहीं चाहिए लॉस्ट इट्स वैल्यू and the girl realized that it could get her nothing वो चीजों से उसको कुछ नहीं मिलने वाला सिर्फ पेन के अलावा तो वो चाहती थी कि i'll forget everything and move on so this is the entire theme of the story around which it is revolving so let's immediately begin with the summary of the story ab summary kyun because exams are on head aur hamare paas time bahut hi kam hai so minimum time mein maximum production ke liye we are coming with the story summary फ्टर रिंग दिल ऑफ मिसिस डोलिंग तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको पता होना चाहिए हम मिसिस डोलिंग को ना जिसके एड्रेस की हम बात कर रहे हैं ये वहाँ की लैंड लेडी है और ये वो लेडी है जो मिसिस एस से सामान लेकर जाती रही जब वॉर लाइक सिचुएशन हो रही थी ये मानते हुए विद दिस एटीट्यूड विद दिस सेल्फिश नेचर की वॉर में तो प्रबैबलिंग की डेथ हो जाएगी बिकॉज वो लेडी अपनी बेटी के साथ ही रहती थी उनके घर में और कोई नहीं था और बेटी भी बाहर कहीं पर जॉब करती थी तो वो लेडी है उनकी तो प्रोबेबली डेथ हो जाएगी तो सारा सामान ही हमारा हो जाएगा इस सोच से जब मिसिस डोल एस का सारा सामान घर पर लेके जाती थी तो अब आफ्टर रिंगिंग द डोर लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट अब ये एड्रेस था जो उन्होंने याद करने के लिए बोला था द वाज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन अब क्या हुआ अब स्टोरी शुरू कहां से होती है कि जैसे ही सम हाउ मिसिस एस की जो डॉटर है उन्होंने इस एड्रेस को ढूंढ लिया उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां पर है और यहां से अब स्टोरी शुरू होती कि जब डोर

तो बहुत ही होल uh, हार्टेडली हम किसी को इनवाइट नहीं करते अंदर आ जा रहे बहुत अच्छा लगा आपको देख के आइए आइए अंदर आइए तो इसके बजाय वो क्या करती है कि पहचानने से ही मना कर देती है कि अभी मैंने मैं भी को नहीं समझ में आ रहा आप कौन है आप यहाँ कोल्ड रिसेप्शन देती है वहां पर सो इज़ एग्जैक्टली कोल्ड डिस और अन फ्रेंडली वेलकम जब हम किसी को देते हैं तो उसको हम कोल्ड रिसेप्शन बोलते हैं होल हार्टेडली वेलकम ना करना दैट इज कोल्ड इजर और पहले तो उन्होंने उनको पहचानने से ही मना कर दिया कि मैं नहीं जानती आपको आप कौन है और यहाँ पे क्या करने आई है देन डोरलिंग हैड थॉट एवरीवन इन द प्रोटैगनिस्ट फैमिली वाज डेड अब मिसिज डोर्लिंग को क्या लगा बिकॉज वो तो यही सोच से सारा सामान लेके आती थी वॉर से पहले कि प्रोबेबली uh, एक अकेली लेडी है बेटी कहीं बाहर जॉब करती है और इनकी भी वॉर में डेथ हो जाएगी और इस तरीके से जितना भी वैल्यूएबल और कंप्लीट सामान मैं उनके घर से लेके आई हूँ ये मेरा हो जाएगा मुझे बिलोंग करेगा सो मिस डोरलिंग है एवरीवन इन द प्रोटैगनिस्ट फैमिली प्रोटैगनिस्ट की फैमिली में सभी लोग अब तक तो मर चुके होंगे एंड आज डिफ एनीवन एल्स हैट कम अलोंग विद हर और उस लड़की से बोलती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है क्या बिकॉज मुझे तो लगा वॉर हुआ होगा और शायद तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं बचा होगा और इसीलिए पूछती क्या कोई और भी आया है क्या तुम्हारे साथ मिसेस डोरलिंग रिफ्यूज टू लेट द प्रोटैगनिस्ट इन हर होम एंड टोल्ड हर टू कम बैक सम टाइम लेटर और क्या करा इतना कोल्ड वेलकम करा इतना कोल्ड रिसेप्शन करा कि पहले तो उनको अंदर आने से ही मना कर दिया और फिर क्या जब वो अंदर आ गई तो उनको पहचानने से मना कर दिया और जब उनको पहचान लिया तो बोलती कि अभी मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है तुम कभी बाद में आना मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है तुम्हारी बातों को एंटरटेन करने का लाइक तू जस्ट गेट रेड ऑफ़ आर ऐसा कुछ प्रेटेन करा सो मिसेस डोलिंग रिफ्यूज़ तू लेट द प्रोटैगनिस्ट इनसाइड हर होम एंड टोल्ड हर तू कम बैक सम टाइम लेटर द प्रोटैगनिस्ट रिक्वायंस्ड हर माता का ग्रीन कार्ड अगेन व्हिच मिसेस डोलिंग वाज वेयरिंग अब यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट ने बेटी ने अपनी मम्मी का जो ग्रीन कलर का कार्डिगन था जिसको मम्मी रोज पहनती थी वो बहुत जल्दी पहचान लिया कि ये तो वही कार्डिगन है दैट इज़ विलिन स्वेटर जो मेरी मम्मा पहना करती थी तो उनको कहीं से लगा कि जो सामान इनने रखा तो कहीं क्या वो यूज़ तो नहीं कर रही तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आया किसको प्रोटेगनिस्ट को मिसिस एस की बेटी को जो अपना सामान लेने इस एड्रेस पे गई थी ना लेट्स सी वट हैपन्स नाउ

हर अबाउट मिसेस डोलिंग वो याद करती हैं कि मम्मी तो कितने अच्छे से मिलवाती थी मुझे कितने अच्छे से बताया करती थी डोलिंग तो बहुत अच्छी लेडी है हमारी देखो कितनी हेल्प कर रही है वॉर जैसी बन रही तो वो चाहती है कि हमारा कोई सामान खराब ना हो सामान को कोई लॉस ना हो इसलिए कितनी केयरफुली अपने घर में जाके उसको संभाल के रख रही है और इतना हैवी हैवी भी चीज़ें हमारे पास इतनी एंटीक चीज़ों कितनी मेहनत से लेकर जा रही है तो

जाते, जाते मिलते रहते तो इतनी नोन भी नहीं थी उनसे जिनको कि उनकी मम्मी ने सामान दे दिया तो अब उनको वो चीजें याद आ रही थी कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द वॉर प्लेस अब क्या बोल रही है ड्यूरिंग द वॉर और जब वॉर शुरू हो गया के ड्यूरेशन में Mrs. Dolling, आ, क्या करती थी इनके घर आया करती थी विजिट दियर हाउस एंड टेक देयर पजेशन पजेशन क्या जो भी चीज वो ओन करते थे जो भी उनका सामान था घर में उन चीजों को धीरे धीरे करके ले जाया करती थी अपने साथ आ, और एज शी नॉट वॉन्ट देम टू गेट लॉस्ट क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उनका सामान खराब हो जाए इफ दे वर लेफ्ट द प्लेस अगर उन लोगों को ये जगह वॉर होने वाला है और उनको अगर ये जगह छोड़ के जाना भी पड़े तो उनका सामान एटलीस्ट खराब ना हो वो हमारे घर में सेफली रखा रखा जा सके मिसिज डोरलिंग हैड ब्रॉड बैक अब यहां पर क्या यहां से स्टार्ट होता है मिसिस डोरलिंग के फिजिकल अपियरेंस के बारे में उनके फिजिकल लुक के बारे में बट यहां पर ये जो काम कर रही थी मिसेस डोलिंग जो सामान को लेके जा रही थी वो किस इंटेंशन से लेके जा रही थी कि इन सब की वॉर में डेथ हो जाएगी या इनको जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा घर खाली करना पड़ेगा तो जो भी सामान है एटलीस्ट वो तो हमारा हो जाएगा और हम उसको यूज करने लग जाएंगे तो ये सोच कर वो सामान को वहाँ पे यूज करती थी और ये सोच ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मैं उनको हेल्प कर रही हूँ उनके सामान को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और अपने घर में रख रही हूँ बिल्कुल भी ये पर्पज नहीं था ना अब बस इस डोल्डिंग कैसी लगती ब्रॉड बैक काफी uh, चौड़ी सी थी उनकी बैक जो थी वो काफी ब्रॉड थी ना The protagonist decided to go to Mrs. Dorling's home to get back their belongings. बिलोंगिंग प्रोटैगनिस कोशिश करती है कि मैं उस एड्रेस पे जाती हूँ और मिसेस डोरलिंग के घर से अपना सामान लेकर वापस आ जाती बिकॉज अब मेरी मामा तो नहीं रही लेकिन उन्होंने मुझे बताया जरूर था तो मैं अपना सामान जो हमें ही बिलोंग करता है वो मैं लेके आ जाती हूँ द प्रोटैगन डिसाइडेड टू गो टू कि होम ये पता है क्या बताता है जब हमें हिंदी में बोलना चाहता है डोरलिंग का घर का घर की घर के घर तो ये रिलेशन uh, बताने के लिए सब्जेक्ट का रिलेशन किसी सब्जेक्ट से या सब्जेक्ट का रिलेशन किसी ऑब्जेक्ट से बताने के लिए पजस्सिव फॉर्म होता है एपोस्ट्रोफी एस तो ये यहाँ पे यूज किया गया सो द प्रोटैगनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डोलिंग्स होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स अपने बिलोंगिंग्स को जो चीज उनको बिलोंग करती थी जो चीज उन्हीं की थी वो अपनी चीजों को वापस लेने के लिए जब डोलिंग के घर जाती है When she rang the बेल Mrs. डोलिंग्स daughter आंसर the डोर अब क्या हुआ अब ये दूसरी बार जब वो गई फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट टाइम तो गई वो मना कर दिया वो जा रही थी फिर उनको लगा यार नहीं वो चीज़ें हमारी थी और मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए तो जब वो दूसरी बार ट्राई करती है अपना सामान वापस लेने के लिए तो इस बार क्या हुआ जब उन्हें डोर बेल बजाई तो अब मिसिस डोलिंग नहीं आई क्योंकि वो घर पर ही नहीं थी तो उनकी बेटी ने दरवाजा खोला और उनको रिसीव करा सो वेन शी रैंक बेल मिसिज

और क्या बोले वे और जब वो क्रॉस करके आ रही थी डोर से जब वो अंदर आ रही थी लिविंग रूम में जहां पे उन्होंने बैठने के लिए बोला जब वो क्रॉस करके आ रही थी उतना सा पैसेज उतना सा एरिया तो क्या देखा क्या नोटिस करा मिसेस एस की बेटी ने कि क्या रखा है दे नोटिस देर उनका एस की डॉटर का एस का क्या था हेन्यू का कैंडल अब हेन्यू का कैंडल क्या होता है एक कैंडल स्टैंड होता है प्रोबेबली जिसके नाइन होल्डर्स होते हैं फोर एस साइड फोर एस और एक मेन होल्डर होता है ये बहुत ही एंटीक था और एज अ शो पीस जैसे यूज किया जाता था सो वेन देर क्रॉसिंग द पास इथ द प्रोटैक्ट नोटिस हन यू का कैंडल स्टैंड दैट दे है यूज जो उनने कभी यूज ही नहीं करा था जिसका था मैसेज ऐसा था और मैसेज ऐस ने कभी यूज ही नहीं करा कई बार क्या होता है जो हमारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत प्यारी होती हैं जो हमारी बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं हम उनको ज़्यादा यूज नहीं करते ताकि बिकॉज ऑफ द यूजेज वो रफ एंड टफ की वजह से वो डिट्योरेट ना हो जाए उनकी क्वालिटी खराब ना हो जाए वो टूट ना जाए बिकॉज वो बहुत प्रीशियस होती थोड़ा को आराम से अच्छे से रख देते हैं एक जगह पर ताकि वो खराब ना हो सके बट जब वो क्रॉस करके आ रही थी तो ए, एस की बेटी को याद आया कि ये तो है नहीं करते थे Because it had been unmanageable, क्योंकि वो अनमैनेजेबल इतनी बड़ी एंटीक सी चीज जिसका हाई मेंटेनेंस होता है तो वो ये सब सोच के और वो ज्यादा यूज करेंगे फिर उसको अच्छे से रखना भी पड़ेगा अच्छे से क्यों रखना पड़ेगा बिकॉज वो बहुत प्रिय

वैसे नहीं रखा बहुत ही गंदे तरीके से बहुत ही केयरलेस वे में रखा हुआ धूल लग रही है कुछ पार्ट टूट गए हैं तो इस तरीके से चीजों को वहां पर रखा हुआ है तो उनको बहुत ही टेस्टलेस मैनर लगा नाउ See, अब उन्हें और क्या क्या देखा और कैसे रिएक्ट करा so होगा तो uh, हो जैसे घरों में स्टोर रूम होते हैं उसमें हम कार्टैरा uh, कुछ कुछ चीजें स्टोर कर देते हैं और उस रूम को पैक कर देते हैं तो बहुत टाइम के बाद अगर उसको खोले तो मॉइस्टर की वजह से वेदर की वजह से ह्यूमिड वो एक स्मेल आती है उसको मगी स्मेल बोलते है, और नहीं लग रहा था एंड अगी रूम में जैसी वो एंटर हुई उनके लिविंग रूम में बहुत ही मगी स्मेल आ रही थी मतलब सामान बहुत टाइम से ही रखा हुआ है विदाउट एनी केयर और विदाउट एनी यू नो रिफार्बिशिंग और उन सारी चीजों के बिना

उट ऑफ दियोलिंग की बेटी अपने, अपने स्पून दिखाती है जो सिल्वर के बने हो तो यह देख कर तो उनको बहुत बड़ा शौक आया और तुरंत वहां से उठ जाती है और डिसाइड कर लेती अब मैं यहां पर एक सेकेंड भी नहीं रुकूंगी

पर बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है जहां पर मैं अब आऊं और मुझे सिर्फ पुरानी यादें आएंगी कि कितने विटी तरीके से कितनी क्लेवरफुल तरीके से हमारा सामान ये अपने घर में लेके जाती थी और मेरी मम्मी को कैसे तसल्ली देती थी कि आपका सामान बहुत सेफ रहेगा और जब भी जरूरत हो हम आपको दे देंगे और अब ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं और सामान का तो कुछ पूछ रहे इतने गंदे तरीके से उन्हें रखा हुआ है तो ये सारी चीजें से उनको बहुत बुरा लगा और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी आऊंगी और उस जगह से चली जाती हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर आऊंगी तो मुझे सिर्फ यादें ही आएंगी और वो मुझे बुरा लगेगा शे डिसाइडेड टू फॉगेट दी एड्रेस और ये सारी चीजों को देखते हुए वो डिसाइड कर लेती कि अब मैं इस एड्रेस को ही जो मेरी मम्मी ने मुझे याद रखने के लिए कहा था मैं उस एड्रेस को ही भूल जाऊंगी नाउ नाउ वी वुड रीड विद द कंक्लूजन कि इतना सब हुआ इन चीजों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट दैट इज वॉर तो इससे हमें पता चला जो हमारी जो फीलिंग्स होती, होती है जो इंट्रीगेट इमोशंस होती है ह्यूमंस की जैसे कि भरोसा करना किसी पे ट्रस्ट करना किसी पे विश्वास करना उम्मीद करना या फिर बिट्रेयल की हमें पता होता है कि कोई इंसान ईमानदार नहीं होते हम फिर भी ट्रस्ट कर रहे हैं हम फिर भी विश्वास कर रहे हैं हम इस भरोसे से दे रहे हैं कि कल का वो चीज़ें अच्छी होंगी बट जब ये सारी चीज़ें होती हैं और इनका इल इफेक्ट क्या होता है वॉर पर वॉर के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी सोसाइटी पर किसी कम्यूनिटी पर किसी इंटायर नेशन पर तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है इस स्टोरी में दिस वॉज ऑल अबाउट द कंक्लूजन एंड हेयर वी एंड विद द Summary of the address. Now, immediately let us begin with reading the important and extra question answer related to the chapter.

प्लेस एंड लूज ऑल वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स और फर्स्ट uh, हाफ में मतलब प्री वॉर के समय में मिसिज uh, एश को हमेशा ऐसा लगता था कि वॉर जैसी कोई सिचुएशन बन रही है और उनको लगता था कि कहीं हमें इस घर से ना निकाला जाए कहीं हमें इस कंट्री uh, से ना निकाला जाए सो इट माइट हैव हैव टू टू लीव लीव दे माइट द प्लेस एंड लूज ऑल वेलीबल बिलोंगिंग्स और जब ये सारी जगह छोड़ के जाना पड़ेगा और हो सकता है कि हमारा कुछ लॉस भी हो द नरेटर लिव्ड इन द सिटी इन अ स्मॉल रेंटेड रूम अब नरेटर कहां पे रहती थी तो जो नरेटर है जो मिसेस एस की डॉटर है जहां पे वो शहर में रहती थी जहां जॉब करती थी वो एक रेंटेड रूम में रहती थी एक शहर के इट्स विंडोज वर कवर्ड विद ब्लैक आउट पेपर और जो उनकी विंडोज थी वो पूरी कवर करी गई थी पेपर्स में उसमें कोई ग्लास uh, नहीं था कि जिससे हवा को रोका जा सके तो ब्लैक आउट पेपर से उसको कवर किया गया था सी द ब्यूटी ऑफ नेचर आउटसाइड

लेट्स डिस्कस अबाउट पोस्ट वॉर अब क्या हुआ द फर्नीचर वॉज अगली एंड द रूम हैड अ स्मेल इट मेड हर एंड शी एंडेड टू लीव द प्लेस अब जब उनको सामान जब उनको एड्रेस मिल जाता है अपना सामान उनको दिख जाता है तो वो उसमें डिस इंटरास्टेड हो जाती है अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे इस एड्रेस को भी भूल जाना है क्यों क्योंकि फर्नीचर बहुत ही अगली था रूम में से मगी स्मेल आ रही थी एंड इट मेड हर डिस इंटरास्टेड और इसकी वजह से इन चीजों की वजह से उसको

Place again as it brought back, memory, back memories of the past and hence she decided to forget the address. जब उन्होंने बर्न मार्क देखा उसके बाद जब लड़की उनको सिल्वर फॉक स्पून कटलरी सेट दिखा रही थी उससे उनको और समझ में आ गया कि ये तो सब हमारा ही है और ये हमें क्यों दिखा रही है हमारी चीज़ें पूरी सिल्वर की इतनी वैल्यूएबल चीजें थी और मिसेस एस की मिसेस एस की डॉटर जिनकी वो थी उनको डोरलिंग मिसिस डोरलिंग की डॉटर ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो चीज़ उनकी बट वाइडली जिसको दिखा रही थी वो उन्हीं को बिलोंग करती थी बट मिसिस डोरलिंग की डॉटर को ये सब नहीं पता था तो वहां से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो बस हो गया अब मुझे और कुछ भी नहीं देखना है यहां पर इमीजिएटली अप एंड वॉक आउट ऑफ द हाउस और घर के बाहर निकलना शुरू कर दिया She decide और उन्हें उस समय कर लिया कि मैं इस जगह पर दोबारा कभी नहीं आऊंगी और तो और मैं इस एड्रेस को भी अपनी लाइफ से

द नरेटर रिमेंबर्ड द एड्रेस हर मदर हाथ टोल्ड हर ओनली वंस नरेटर को वो एड्रेस बहुत अच्छे से याद था जो उनकी मम्मी ने उनको सिर्फ एक बार बताया था इट वॉज नंबर फोर्टी सिक्स मार्कोनी स्ट्रीट हर मदर्स एक्वेंटेंस अपनी मम्मी की एक परिचित थी मिसेस डोल लिव्ड देयर वो उनकी uh, जो परिचित थी फ्रेंड नहीं थी कोई क्लोज रिलेटिव नहीं थी बस उनकी जान पहचान की थी वहीं पर रहती थी शी हैड स्टोर्ड द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर देयर और उन्होंने नरेटर की मदर का जितना भी वैल्यूएबल जितनी भी प्रीशियस चीज़ें थी वो वहाँ पर स्टॉक करके स्टोर करके रखी थी आफ्टर मदर्स डेथ द नरेटर हैड एन अर्ज टू विजिट द प्लेस और जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो नरेटर को लगा उनकी बेटी को लगा यार अब तो मुझे वो सामान ले लेना चाहिए बिकॉज अब तो मेरी मम्मी भी नहीं है एटलीस्ट मैं उनका सामान लेके तो उनको मैं मिस कर सकती हूँ तो वो सामान लेना चाहती थी इसीलिए शी वॉन्टेड टू सी दोज थिंग्स टेम एंड रिमेंबर शी वेंट टू द गि एड्रेस टाइज और वो एक बार नहीं वे दो बार जाते हैं उस एड्रेस पे जो उनकी मम्मी ने उनको दिया था और याद रखने के लिए कहा था शी वॉज सक्सेसफुल इन her सेकेंड अटेम्प टू एंटर द लिविंग रूम और पहली बार तो मिसेज डोलिंग उनको रिसीव करती है और उनको बहुत ही कोल्ड रिसेप्शन देती है उनको अंदर आने के लिए ही मना कर देती है जब अंदर आती है तो उनको पहचानने के लिए मना कर देती है और जब फाइनली चीजें क्लियर होती हैं तो उनको बोल देती है कि अभी मेरे पास टाइम

ऑल्सो शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स शी वॉन्टेड टू सी अगेन और वो अपने आप को वहां पर पाती हैं जिन चीजों को एक्चुअली वो रिकॉल करना चाहती थी वो देखना चाहती थी वो उन चीज़ों के आसपास ही घिरी हुई हैं शी फेल टू अप्रेस्ड इन द स्ट्रेंज एटमोसफेयर और उनको उस वियर्ड से उतने स्ट्रेंज अजीब से एटमोसफेयर में वो चीज़ें रखी हुई उनको बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी बहुत अजीब लग रहा था एवरीथिंग वॉज अरेन्ज इन अ टेस्टलेस वे सारी चीज़ें बहुत बेकार तरीके से बिल्कुल ऐसे ही गंदे तरीके से वहां पर रखी हुई थी अगली फर्नीचर एंड द मगी स्मेल दैट हंग देयर सीम क्वाइट और वो सबसे बड़ी चीज जो अगली फर्नीचर था उनका और वहां से जो मगी स्मेल आ रही थी वो तो बहुत ही इरिटेटिंग हो रही थी डॉटर के लिए दीज ऑब्जेक्ट्स इवोक द मेमोरी ऑफ द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम और ये जो ऑब्जेक्ट्स थे ये क्या याद दिला रहे थे नरेटर uh, को उनकी मम्मी की यादें दिला रहे थे कि उनका पुराना टाइम कैसे बीता था पुरानी चीजें कैसी थी उनके साथ बट दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू सिंस दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर बट अब अब वो बोलती हैं कि अब इन चीजों की वो वैल्यू नहीं रही जो वो तब हुआ करती थी जब वो मेरी मम्मी के साथ थी और अब बिकॉज मेरी मदर ही नहीं है तो उन चीजों का भी कोई एसोसिएशन नहीं है मेरी मदर के साथ और अब मैं उनको याद नहीं करना चाहती बिकॉज वो सारा सामान अब किसी और को बिलोंग करने लग गया है और वो उनको यूज कर रहे हैं

Heading with the next question that is the address.

बीच में तो हमेशा नेगेटिविटी ही लाता है तो डिस्ट्रक्शन होता है लॉस होता है लाइफ का होता है ऑब्जेक्ट्स का होता है, अराउंड लाइफ, एनिमल्स, सब चीज का लॉस होता है कई बार ये बिल्कुल समझ भी नहीं आता कि क्या किया जाए द ह्यूमन प्रिडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर इज एम्पली इलेस्ट्रेट

टू हर इमोशनल सफरिंग फिजिकल तो हमें समझ में आ रहा था फिजिकल डिफिकल्टीज क्यों हो रही थी Because वो सामान क्योंकि बिलोंग करता था वो उनका नहीं है उनको कहीं और पे रखा गया उनका घर पूरा खाली हो गया ना तो मदर है ना मम्मी की वो चीज़ें हैं तो ये फिजिकल डिफिकल्टीज तो आ ही रही थी उन चीजों के बिना लाइफ अब कैसे चलेगी और इमोशनल सफरिंग्स टू हर इमोशनल सफरिंग क्यों बिकॉज वो जो वैल्यू वो जो इमोशंस जुड़े थे वो सारी चीजें भी अब उनको नहीं मिल पाएंगी तो कहीं ना कहीं इमोशनल सफरिंग भी हुई है किसको नरेटर को शी हैड लॉस्ट हर डियर मदर शी वेंट टू फोर्टी सिक्स माखोनी स्ट्रीट टू सी हर मदर्स वैल्यूबल पोजेशन और वो अपनी डियर मदर को भी अब लूज कर चुकी हैं और इसीलिए वो इस एड्रेस पे जाती हैं उनकी वैल्यूएबल पोजेशन को देखने के लिए जो चीज़ें उनको उनकी मम्मी को बिलोंग करती थी ऑल्सो हाउ ग्रीडी एंड कैलिस ह्यूमन बींग्स कैन बिकम इन एग्जेप्लीफाइड बाई द बिहेवियर ऑफ मिस स्टोलिंग अब यहाँ पर बताया गया कितने ग्रीडी लालची हो सकता है कोई इंसान कितना कैलेस हो सकता है इतना एरोगेंट इतना गंद, गंदा एटीट्यूड बिल्कुल भी डिसेंट बिहेवियर ना होना और बिल्कुल भी लाइक like, जो चीज़ आपने किसी से ली थी इतने विटी तरीके से इतने ग्रीड वाले बिहेवियर से वो आप उसको रिटर्न भी नहीं कर रहे हो सो हाउ ग्रीडी एंड कैल

Narrator, और 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 को को पहचान नहीं जाती 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 उनकी बेटी बेटी जिनके घर से वो पूरा सामान लाई थी उस बेटी को ही पहचानना पहचानना कि तो तो भोल जाती, कोई अनजान भी गेट पे आता तो हम उसको कभी कभी अंदर आने के लिए बोल देते हैं जो थोड़ा डिसेंट दिखता है और यहाँ पे जानते हुए कि वो पहचानती हैं उनका पूरा सामान है हमारे घर में वो पहचान से मना कर देती हूँ और बोलती है आपको मैं अंदर नहीं आने दे सकती अभी बस कोई टाइम नहीं कभी बाद में आना चाहिए इन स्ट्रेंज एटमोसफेयर पेंट हर और उनका जो सामान था मिसिस एस का जो सामान था जब बेटी देखती है कि गंदे तरीके से रखा तो उनको बड़ा बुरा लगता है उनको बहुत दुख होता है कि मम्मी तो इन चीज़ों को कभी यूज़ ही नहीं करती थी या बोलते हुए कि इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हम अगर यूज़ करेंगे तो वो खराब हो जाएगी फिर हमें उनको मेनटेन करना पड़ेगा तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाएंगी तो उनको संभाल के अच्छे से रखती थी और इनको इतने रफ तरीके से यूज़ करेंगे चीज़ें उनको बहुत पेन दे रही थी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इन चीज़ों से valuables had lost all the importance for her <clears throat> और अब ये जितनी भी सारी वैल्यूएबल चीजें थी ये जो वैल्यूएबल चीजें थी अब वो सारी लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी इनके लिए बिकॉज वो वैल्यू तो है ही नहीं उन चीजों की क्योंकि वो पहले मदर से एसोसिएटेड थी इसीलिए उनकी वैल्यू थी बट अब वो किसी स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में बहुत वियर्ड तरीके से रखी हुई है तो उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है नाउ दीज वैल्यूएबल्स हैड लॉस्ट ऑल द इंपॉर्टेंस फॉर हर एज दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर क्योंकि वो अपनी मदर से अब चीजें अलग हो चुकी हैं शी कुड गेट नो सोलेश और कम्फर्ट फ्रम दम अब उनको अब नरेटर की नरेटर को मिसेस एस की बेटी को अब उन चीज़ों से कोई भी सुख नहीं मिल रहा था उनको उन चीज़ों से कोई भी रिलीफ या उनको प्लेजर नहीं मिल रहा था तो ये डिसाइड करते हुए उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वॉर लाइक सिचुएशन इंसान को कैसे क्या बना देती हैं ना With this, we proceed towards the end of the question that is comment on the significance of the title of the story, the address. अब हमें क्या करना है हमें comment करना है बताना है कि क्या importance है इस title की the address, because the entire story is revolving around the address. तो हम पढ़ते हैं क्या है इसका answer. The title of the story, the address is quite apt. ये काफी appropriate है काफी relevant है काफी justified

The title is quite suggestive and occurs at the beginning. आप क्या बोले? Title जो है काफी suggestive है, काफी suggest कर रहा है, कुछ बता रहा है हमें and occurs at the beginning, middle and end of the story और इस starting में भी raise हुआ जब वो उनको बता के जाती हैं कि बेटी याद कर लो ये वो एड्रेस है जहाँ पे हमारा सारा सामान रखा हुआ है तो उस एड्रेस को लिख के याद करवा के जाती है तो पहले भी था जब वॉर चल रहा था वो ढूंढना चाहती थी तब भी वो, वो एड्रेस के इंपॉर्टेंस आई और एंड में जब वो उस एड्रेस पे फाइनली पहुँच जाती हैं और उस एड्रेस को भूलना चाहती फिर एड्रेस का टॉपिक रेज हुआ तो पूरी स्टोरी में एड्रेस की बात हो रही है देन मार्गमिंग द रीडर्स मार्गमिंग कौन है द राइटर ऑफ दिस स्टोरी जिन्होंने स्टोरी को लिखा है मार्गमिंग एंड हर सेल्फ एश्योरेंस दैट शी हार्ड रीच द करेक्ट हाउस अब यहां पर क्या बोल रहे मार्गमिन ये को ये जो ने को लिखा है उससे क्या फोकस करना चाहती हैं वो चाहती हैं कि उनके जो रीडर्स का जो अटेंशन

एड्रेस बताया था और ये वही एड्रेस है जहां पर मैं आई हूं सो द मिडल पार्ट ऑफ द स्टोरी रिवील्स हाउ शी केम टू नो हाउ शी केम टू नो द एड्रेस अब मिडिल पार्ट क्या बताते हैं कि उनको इस एड्रेस के बारे में कैसे पता चला इट वॉज अर मदर हु इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द प्लेस वेर मिसिस डोलिंग लिव एंड आस्क हर टू रिमेम्बर इट अब उनको कैसे पता चला जब ये मिडिल स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो हमने वहाँ पर देखा कि उनकी मदर जब उनको लगा कि वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है और मिसिस डोलिंग ने उनको अप्रोच करा और उनको ऑफर दिया कि आप अपना सारा सामान हमारे घर में सेफली स्टोर कर सकते हो स्टॉक कर सकते हो और जैसे ही वॉर लाइक सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो अपना सामान को आप वापस ले सकते हो

दोबारा जाती है तो वो डिसाइड कर लेते हैं उस एड्रेस पर नहीं जाए दिसकिल चैप्टर टू ऑफ योर स्नैपशॉट दैट इज द एड्रेस विच वॉज रिटर्न बाय मार्गामिन को आई होप डू अंडरस्टुंड इंटायर चैप्टर वेरी वेल इन दीस्ट टाइम एज पॉसिबल नाउ अगर ऐसे ही आपको चैप्टर्स के बारे में कुछ और समझना है समराइज वे में कौन कौन से कोर्सेज हैं कौन कौन से बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड डू विजिट ऑफिशियल चैनल बाय डब्ल्यू एंड सब्सक्राइब करना तो कभी भी नहीं भूलना बिकॉज दैट इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस जो हमें हर टाइम करनी है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल